Hello everyone and welcome back to your own tuition, you tuition. As promised, here is the second part of the types of noun, that is countable and uncountable noun. So stay tuned and keep watching. Okay, so let's get started with countable and uncountable nouns. Ab, as the name suggests, countable wo hota hai. This is that type of noun that can be counted. राइट काउंटेबल मतलब वही होता है कि नाउन जो काउंट हम कर सकते हैं. अनकाउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. सो आई होप यू आर क्लियर टिल हियर दैट काउंटेबल इज दैट नाउन दैट कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. सो दिस इज द फर्स्ट एंड द बेसिक एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. For example, if I say a pen, pen can be counted, right? If I say book, books can be counted, tigers can be counted, right? So, and then I can say phone or mobile. So, such nouns, they can be counted. Hence, they are categorized under the category of countable nouns. Now, what are the things that cannot be counted? So, let's see. For example, salt. Can you count the tiny particles of salt? No, we cannot count that. So that comes under the category of uncountable noun. उसी तरह से sugar, sugar हम count नहीं कर सकते. Water, हम water भी count नहीं कर सकते. Coffee, coffee भी count नहीं कर सकते. इसके इन सब चीज़ों के अलावा, salt, sugar, water, coffee, इन सब चीज़ों के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम count नहीं कर सकते. For example, your abstract noun. ऐसे बहुत सारे abstract noun हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते. सबसे पहली बात तो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख ही नहीं सकते, तो उनको काउंट कैसे करेंगे, राइट? तो लव, वी कैन नॉट काउंट लव. वी कैन नॉट काउंट एंगर. हम एंगर को भी काउंट नहीं कर सकते. हम अपनी फ्रीडम को काउंट नहीं कर सकते. सो इस तरह से नाउन्स का बाइफिकेशन हुआ है दो पार्ट्स में, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स, और वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल्स हमने देखे, वो सारी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं एग्जिस्टेंस में एक्चुअली, और जो हम काउंट कर सकते हैं वो है पेन, बुक्स, टाइगर, और इस तरह की चीजें हम एक्चुअली काउंट कर सकते हैं. सॉल्ट, शुगर, सैंड, वाटर, कॉफी, टी, लव, एंगर, फ्रीडम, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और इनमें आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी काउंटेड. ओके, ओके, सो दैट वॉज द फर्स्ट एंड द बेसिक डिफरेंस कि हम ऐसे नाउन्स जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जो नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल. वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक. चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे. अब देखिए, काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं तो उनको हम उनके आगे हम ए या एन लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ बुक, आई हैव गॉट एन एलिफेंट स्टैचू एट माई प्लेस. तो इस तरह से हम जिन काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उनके आगे हम लगा सकते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में क्या है, यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल ए या एन यूज नहीं कर सकते. लॉजिक देखिए ना, अगर आप काउंट किसी चीज़ को काउंट ही नहीं कर सकते तो उसको आप ए या एन में कैसे डाल सकते हैं? आप ए या एन उसको आर्टिकल दे ही नहीं सकते. सिमिलरली, अगर आप काउंट कर सकते हैं तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसको प्लूरल भी कर सकते हैं. अगर आप काउंट कर ही नहीं पाएंगे तो उसको आप प्लूरल भी नहीं कर पाएंगे. सो द सेकेंड पॉइंट ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इज दैट वी कैन ऐड ए एंड एन फॉर काउंटेबल नाउन्स, एंड काउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल्स. सिमिलरली फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स वी कैन नॉट ऐड ए और एन एंड वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट से दैट आई हैव मेनी वाटर्स एट माई प्लेस, आई ड्रैंक मेनी कॉफीज टूडे, और आई कैन नॉट से दैट आई हैड अ कॉफी टूडे और आई हैड एन कॉफी टूडे एंड आई हैव गॉट फ्रीडम्स इन माई लाइफ. इन ऐसे सब चीजें हम नहीं बोल सकते. तो यहाँ पे हम ए या एन का यूज नहीं कर सकते और प्लूरल भी यूज नहीं कर सकते. सिमिलरली ओवर हियर आई कैन से आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट मेनी बुक्स, आई हैव गॉट टू फोन्स. सो हियर फॉर काउंटेबल नाउन्स आई कैन यूज द आर्टिकल ए और एन, आई कैन मेक इट प्लूरल, बट फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स आई कैन नॉट यूज द आर्टिकल ए और एन, नीदर आई कैन मेक इट इन द प्लूरल फॉर्म. सो दिस वॉज अ सेकेंड मेजर डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. Okay, so the second thing is that if you want to count, like I said, you cannot count uncountable nouns. But अगर count हमको countable uncountable nouns अगर count भी करने हैं तो हम कैसे उनको units में count कर सकते हैं? For example,
प्लीज पुट 2 tablespoons ऑफ शुगर इन माय कॉफी, और आई कैन से आई वांट अ बोल ऑफ राइस, और आई वांट अ केजी ऑफ राइस, आई वांट 2 liters ऑफ मिल्क. तो इन सारे यूनिट से या क्वांटिटी से आप अपना अनकाउंटेबल नाउन मेशर कर सकते हैं. अदरवाइज उनको वैसे मेशर करने का कोई तरीका नहीं है. तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा बेसिक डिफरेंस काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के बारे में, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे उनके. मैंने आपसे कहा कि हम आर्टिकल्स नहीं यूज कर सकते अनकाउंटेबल के साथ में, और प्लूरल्स उनका नहीं बना सकते. वेयर इज ऑन द अदर हैंड फॉर काउंटेबल नाउन्स यू कैन यूज द आर्टिकल ए एंड एन, ए और एन सॉरी, एंड यू कैन ऑल्सो मेक देयर प्लूरल फॉर्म. फॉर काउंटिंग अनकाउंटेबल नाउन यू विल ऑलवेज हैव टू यूज सम यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल टेबल स्पून और केजीज, लीटर्स और ग्लास और समथिंग लाइक दैट, अ ग्लास ऑफ मिल्क और अ कप ऑफ कॉफी. इस तरह के आपको यूनिट्स या मेजरमेंट्स यूज करने होंगे उनको काउंट करने के लिए. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट कभी भी अगर हमको क्वेश्चन पूछना है हाउ मच या हाउ मेनी, मेनी पीपल आर कन्फ्यूज इन दिस केस एज वेल. तो काउंटेबल नाउन को अगर हमको पूछना है कि कितने हैं, ओके, तो यहां पे हमेशा हम पूछेंगे हाउ मेनी. ओके, एंड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स वी आर गोइंग टू यूज हाउ मच. फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, ओके, और हाउ मेनी बुक्स ऑफ चेतन भगत डू यू हैव, है ना. तो हाउ मेनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ में, और मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू हाउ मच राइस इज लेफ्ट इन द कुकर, और हाउ मच कॉफी इज लेफ्ट इन द ग्लास. सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू यूज मेनी फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन. फाइन, देन लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. I hope you all have heard about determiners. Determiners, there will be a separate video coming up, not soon, but after some point of time. तो आपने सुना होगा few के बारे में, little के बारे में, some, many, much. और बहुत सारे लोगों को इस पर भी confusions होती है कि कहाँ पे much use करना है, कहाँ पे many use करना है. तो मैंने आपको ये चीज़ already बता दी है. जैसे आप how many use करेंगे वैसे ही many आप countable में use करेंगे, और much you are going to use with uncountable noun. ओके, आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स लाइक आई टोल्ड यू. हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? आई हैव मेनी फ्रेंड्स. सो दैट कैन बी योर आंसर, राइट? देर इज एंड हाउ मच आप यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, लाइक हाउ मच राइस इज लेफ्ट इन द कुकर, और हाउ मच कॉफी इज लेफ्ट इन द मग. इन दिस वे यू कैन यूज हाउ मच, एंड नॉर्मल सेंटेंस में भी आप मच यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, एंड मेनी यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए. ये था पहला डिटरमाइनर का डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस इज दैट वी आर गोइंग टू यूज फ्यू एंड द फैमिली ऑफ फ्यू विथ काउंटेबल नाउन्स, एंड द फैमिली ऑफ लिटिल विथ अनकाउंटेबल नाउन. अब फैमिली में कौन कौन आता है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, राइट? लिटिल, अ लिटिल and the little. So this is what is basically used in countable and uncountable noun. और कैसे यूज करेंगे? For example, I can say that I have few books at my place, right? Or there is a little rice left in the प्लेट. सो नाउ कैन यू सी द डिफरेंस? यहां पे मैंने क्या यूज किया? यहां पे मैंने फ्यू यूज किया. मैं ये नहीं कह सकती दैट आई हैव लिटिल बुक्स एट माय प्लेस. नो, आई कैन नॉट से दैट. या फिर मैं ये भी नहीं कह सकती दैट देयर इज अ फ्यू राइस लेफ्ट इन द प्लेट. नहीं, हम फ्यू यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ में, और लिटिल यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ में. इतना आप ध्यान रखेगा. तो कैटेगरीज ऑलरेडी डिवाइडेड है. मैनी यूज करेंगे काउंटेबल के साथ, फ्यू यूज करेंगे काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ हम मच यूज करेंगे, और लिटिल वाली फैमिली यूज करेंगे. नाउ इफ यू ऑल आर रियली इन टू इंग्लिश एंड इफ यू ऑल रियली वॉन्ट टू नो, मेनी ऑफ यू ऑल वुड पुट अप अ क्वेश्चन लाइक वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. बहुत सारे आपके एंड सेम क्वेश्चन वुड अराइज फॉर लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. नाउ अगेन फ्यू या फिर लिटिल यूज होता है नेगेटिव सेंस में. फिर से मैं बता देती हूँ, वैसे भी ये सारी चीजें मैं कवर करूंगी डिटरमाइनर्स के चैप्टर में. अभी के लिए बता दूं दैट फ्यू इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस, अ फ्यू इज यूज्ड इन अ बिट ऑफ पॉजिटिव सेंस, जहां पे थोड़ा पॉजिटिविटी है, और द फ्यू इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस. सेम अप्लाइज टू लिटिल. लिटिल इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस. अ लिटिल, जहां पे थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा
एक्स्ट्रा है, नेगेटिव से थोड़ा सा ऊपर है वो, और द लिटिल सिमिलरली इज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस. सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस फ्यू छोटा पार्ट, फिर अ फ्यू थोड़ा सा बड़ा, और द फ्यू उससे ज्यादा बड़ा. तो इस तरह से आप अपना याद रख सकते हैं, जो फ्यू बहुत कम, अ फ्यू थोड़ा सा ज्यादा उससे, और द फ्यू इन अ पॉजिटिव सेंस. व्हेन आई से आई हैव गॉट फ्यू बुक्स, मतलब मैं नेगेटिव में बोल, मेरे पास एक या दो बुक्स होंगी. इफ आई से आई हैव गॉट अ फ्यू बुक्स, मतलब थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, मतलब ना नेगेटिव पे है, ना कम है, ना ज्यादा है. अब मैं ये बोलूँ द फ्यू बुक्स दैट आई हैव ऑलरेडी रेड इट, मतलब जितनी भी बुक्स हैं मेरे पास, एक तो फ्यू का मतलब कम होता है, पर जितनी भी कम है मेरे पास, जितनी भी वो सारी बुक्स हैं, वो सारी मैंने ऑलरेडी रीड कर ली हैं. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. सेम अप्लाइज टू लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. ओके, तो आई होप यहाँ तक के चीज़ें क्लियर हैं आपकी. तो हमने डिस्कस किया क्या क्या हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल के साथ, और क्या क्या यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल के साथ. अब कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ कैन बी यूज विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सिमिलरली सम कैन बी यूज विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ लेट्स से आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ गेम्स. ओके, तो गेम्स भी हम काउंट कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स भी काउंट कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ ओवर हियर. तो अ लॉट ऑफ गोस अप्रोप्रिएटली विद बोथ. सिमिलरली इफ आई से अ लॉट ऑफ राइस इज लेफ्ट इन द प्लेट, यू हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ राइस, यू आर नॉट ईटिंग इट. सो यहां पर भी राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी हम अ लॉट ऑफ यूज कर रहे हैं. तो अ लॉट ऑफ ऐसी एक चीज है जो दोनों के साथ में जाएगी, काउंटेबल के साथ में भी और अनकाउंटेबल के साथ में भी. सिमिलरली सम, सो सम के एग्जाम्पल्स लाइक लेट्स से आई विड्रू सम मनी येस्टरडे. अब हाँ, मनी की बात आ रही है, तो कैन एनी वन ऑफ यू ऑल टेल मी व्हाट इज मनी, वेदर इट्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल, डू कॉमेंट मी डाउन. ओके, अब लेट्स से आई विथड्रू इज द पास्ट टेंस ऑफ विड्रू. ओके, आई विड्रू सम मनी फ्रॉम द बैंक येस्टरडे. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिखा आई विड्रू सम मनी फ्रॉम द बैंक येस्टरडे. लेट्स से सम स्टूडेंट्स डिड नॉट डू देयर होमवर्क. ना अब यहां पे आप देखेंगे तो सम स्टूडेंट्स, तो पहले बात तो काउंटेबल है, यू कैन काउंट स्टूडेंट्स. ओके, नॉर्मली हमको पता होता है क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, कितने बच्चे हमें पता है, तो स्टूडेंट्स तो आपका काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल के साथ मैंने यूज किया है सम. एज फार एज योर मनी इज कंसर्न, इफ यू ऑल डू नॉट नो, लेट मी टेल यू दैट मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ओके, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, बट अनकाउंटेबल के साथ भी मैंने सम यूज किया है यहाँ पे. तो आई विड्रू सम मनी येस्टरडे. सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आप दोनों के साथ में यूज कर सकते हो, काउंटेबल के साथ में भी और अनकाउंटेबल के साथ में भी, और वो है अ लॉट ऑफ एंड सम. सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ. अनकाउंटेबल और काउंटेबल के बीच का डिफरेंस आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. अब क्योंकि मनी की बात आई है, तो लेट मी टेल यू ऑल अ फ्यू वर्ड्स दैट इज That in which mostly the kids get confused कि वो countable है या uncountable है. चलिए देखते हैं उसके बारे में. Yeah, so we were talking of money. अब money, I hope you all know that money is an uncountable noun. जबकि आप अगर rupees की बात करेंगे तो I can say a rupee, I can say 2 rupees or 5 rupees. So this becomes my countable noun. अब logic क्या है यहाँ पे, why is money uncountable and why is rupee or coin or bill, ये सब countable क्यों है और क्यों money uncountable है. तो इसका सबसे basic चीज ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था that uncountable noun cannot be converted to s or es, or it cannot be converted to the plural form. आप अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते. अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म आसानी से बन सकता है. हम ये नहीं कह सकते आई हैव गॉट अ मनी और आई हैव गॉट टू मनीस. मनीस कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में. ओके, सिमिलरली फॉर रुपीज एंड कॉइन्स एंड बिल्स, यू कैन ऑब्वियसली कन्वर्ट रुपी टू रुपीज, यू कैन कन्वर्ट कॉइन टू कॉइन्स एंड बिल टू बिल्स. सो दीज कैन बी कन्वर्टेड टू, दीज आर काउंटेबल नाउन, नॉट कन्वर्टेड, दीज आर काउंटेबल नाउन, एंड मनी इज योर अनकाउंटेबल नाउन. सिमिलरली
लेट्स टेक वन मोर वर्ड विच इज नॉर्मली एन अ बिग डिबेट, स्टार. अब स्टार्स क्या है? स्टार्स ये अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, तो बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे काउंटेबल है, बहुत सारे लोग उनसे ज्यादा ये कहेंगे कि अनकाउंटेबल है. तो लेट मी टेल यू दैट स्टार्स इज योर काउंटेबल नाउन. कई बार आई नो योर लॉजिक इज राइट कि स्टार्स तो हम काउंट नहीं कर सकते, बट लुक एट द एस ओवर हियर. आप स्टार को स्टार्स बना सकते हैं. यू कैन मेक स्टार स्टार्स. योर स्टार एंड एस कैन बी एडेड टू योर स्टार्स. सो दिस मीन्स दैट दिस इज काउंटेबल नाउन. वो सारे वर्ड्स जिन पे आपको कंफ्यूजन है, जस्ट ट्राई एडिंग एन एस और यस, उनको बस प्लूरल बना के देखिए. अगर वो प्लूरल बनता है तो दैट्स योर काउंटेबल नाउन. अगर वो प्लूरल नहीं बनता है तो दैट्स योर अनकाउंटेबल नाउन. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि इसका प्लूरल बन सकता है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल फिश. नाउ मेनी ऑफ यू ऑल वुड टेल मी दैट फिश का प्लूरल फॉर्म इज फिशेस. आई एम सॉरी, फिश का प्लूरल फॉर्म इज फिश ओनली. फिश का कभी भी आप ये नहीं कह सकते आई हैव गॉट फाइव फिशेज इन माई टैंक. नो, दैट्स अ बिग ब्लंडर, दैट्स वेरी रॉन्ग इंग्लिश. आप कभी भी ये नहीं कह सकते आई हैव गॉट फाइव फिशेज. आप हमेशा ये कहेंगे आई हैव गॉट फाइव फिश ओके इन माई टैंक. हाँ, फिशेज कब यूज करना है? जब आपके पास अलग अलग वेराइटी की फिशेज हैं. ओके, यू हैव गॉट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेज, then at that point of time you're going to use fishes. Otherwise fish is already a plural form. Let's take one more word in that case, furniture. Now furniture ko bahut sare log furnitures bulate hain. I am sorry, again that is a big blunder, that is again wrong. I am not blaming you all. Actually the thing is that English is such, aap aise thode bahut exceptions hai English mein. फर्नीचर क्योंकि एक कैटेगरी को बिलोंग करता है. दिस बिलोंग्स टू अ कैटेगरी. अब कैटेगरी के अंदर क्या आ सकता है? आपका बेड, सोफा, डाइनिंग, टीवी यूनिट, ये सारी चीजें फर्नीचर के अंदर आती है. इसलिए फर्नीचर तो यही रहेगा. प्लूरल फॉर्म भी इसका यही है और सिंगुलर फॉर्म भी इसका यही है. बट यू कैन ऑब्वियसली से दैट आई हैव गॉट टू सोफा सेट्स एट माई प्लेस, आई हैव गॉट फ्यू चेयर्स एट माई प्लेस. वो सब आपका प्लूरल फॉर्म बन सकता है, बट फर्नीचर विल रिमेन फर्नीचर ओनली. दिस इज योर, this belongs to a particular category, so this is also your uncountable noun. Clear? So this will also remain this in this way. No s or es can be added over here. Okay, so the other controversial word is hair. अच्छा, जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है मैं वो सारे वर्ड्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. आपको भी कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में पूछेगा. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. अब हेयर की बात करते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं हेयर इज काउंटेबल, हेयर इज अनकाउंटेबल. तो द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट हेयर इज बोथ, इट इज काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. अब कैसे ये काउंटेबल है, कैसे ये अनकाउंटेबल है, वो बात करते हैं. सबसे पहला लॉजिक तो ये है कि हेयर, पहली बात तो सही बोलूं तो वो अनकाउंटेबल है. हेयर कोई काउंट नहीं कर सकता. बट If I say, I found two white hairs yesterday. अब कल मैंने दो white बाल देखे अपने सर पे, है ना? तो यहां पे मैंने क्या किया, hairs बना दिया. और या फिर मैं ये कहूं कि yesterday I made a soup for example, or I made a भाजी, किसी भी चीज की भाजी मैंने बनाई और वहां पे I found two strands of hair. ओके, उसमें मुझे बाल मिले तो मैं क्या बोलूंगी, आई फाउंड टू हेयर्स इन माय वेजिटेबल येस्टरडे. तो वहां पे क्या होता है, जब तक ये बाल आपके सर से लगा हुआ है ना, तब तक वो अनकाउंटेबल है बेसिकली. और जहां पे वो बाल गिर के आपको कहीं और मिला, या फिर आपको खाने में मिल गया, या फिर नीचे पड़ा हुआ मिल गया, देन यू कैन काउंट. अंडरस्टैंडिंग? आपके सर पे बाल है तो वो आप काउंट नहीं कर सकते, वो तब तक अनकाउंटेबल है. जहां पे आपको बाल कहीं और मिला है, जैसे व्हाइट बाल हम काउंट कर सकते हैं. क्लियर? दो अगर मेरे दाल में या फिर भाजी में कहीं बाल आता है तो वो आप भी काउंट कर सकते हैं. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स काउंटेबल. बट एट व्हेन इट इज स्टक टू योर हेयर, व्हेन इट्स ऑलरेडी ऑन योर हेड, यू कैन नॉट काउंट दैट हेयर. सो इस तरह से हेयर आपका काउंटेबल भी हो सकता है. बेसिकली इट इज अनकाउंटेबल, बट इन सिचुएशंस में वो आपका क्या बन जाएगा, काउंटेबल नाउन बन जाएगा. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल दैट आई हैव लॉन्ग हेयर. मैंने क्या बोला, आई हैव लॉन्ग हेयर, है ना? यहां पे मैंने हेयर का हेयर्स नहीं किया. या फिर आई कैन से माई सिस्टर वॉश्ड हर हेयर येस्टरडे, सो टुडे शी वोंट वॉश, राइट?
सो वॉश्ड, सॉरी यहाँ पर भी आप देखिए तो मैंने हेयरी यूज किया, यहाँ पे हेयर्स नहीं यूज किया. सो बोथ ओवर हियर सिंस इट्स अनकाउंटेबल आई एम नॉट यूजिंग इट एज एस और ई एस, आई एम नॉट अटैचिंग इट एंड आई एम नॉट मेकिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ हेयर. तो हेयर का प्लूरल कब बनता है या वो काउंटेबल कब बन सकता है, मैंने आई होप उसे क्लियर कर दिया. अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा ही अनकाउंटेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एडवाइस, लगेज, और यू कैन से बैगेज. हाँ, ब्रेड का बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि ब्रेड क्या है. नाउ लेट मी टेल यू अगेन, यू कैन अप्लाई द लॉजिक कि ब्रेड्स हम नहीं बोलते, हम उसको ब्रेड ही बोलते हैं कि ब्रेड का एक पैकेट चाहिए, राइट? तो ब्रेड ही होगा वो, दैट कैन नॉट बी ब्रेड. सो दैट इज व्हाई ब्रेड इज योर अनकाउंटेबल नाउन. नाउ दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, ब्रेड हो गया. देन योर वेदर, वेदर्स नहीं बोल सकते. न्यूज, न्यूज का न्यूज ही रहता है ना, ये सिंगुलर है जबकि इसको आप प्लूरल में नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा, इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते. ओके, मनी की हमने बात करी ली, मनी. हमने फर्नीचर की भी बात की. सो दीज आर अ फ्यू, आई एम ओनली गिविंग यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स. ओके, अगेन अ फ्यू एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट गिविंग यू एवरीथिंग, आई एम गिविंग ओनली अ फ्यू एग्जाम्पल्स. येस, इफ यू नो अ फ्यू ऑफ देम, डू कॉमेंट इट डाउन एंड लेट मी ऑल्सो नो इफ यू ऑल न्यू नो अबाउट अ फ्यू वर्ड्स लाइक दिस विच कैनॉट बी काउंटेड. ओके, सो आई होप योर डाउट्स ऑन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर क्लियर. इफ एनी प्रॉब्लम अगेन डू मैंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर इट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.